गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम है आशीष। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है जिसके अंदर आपको स्टॉक सिस्टम मिला हुआ है, तो ऐसे में आप जो है अपनी गाड़ी में यूट्यूब की वीडियोस कैसे चला सकते हैं। तो इसके लिए एटलीस्ट आपकी गाड़ी में जो है एंड्रॉयड ऑटो एटलीस्ट होना चाहिए। जैसे मेरी टाटा टिगोर है, इसके अंदर ये एंड्रॉयड ऑटो है। आप ये फीचर जो है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये टिगोर, नेक्सॉन, टियागो, हैरियर या फिर मारुति की कोई भी गाड़ी, सियाज या फिर वगैरह वगैरह कोई भी हुंडई की कोई भी गाड़ी हो, उसमें ये फीचर आपके लिए काम कर सकता है। अब इसको मैं एंड टू एंड बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि एटलीस्ट आपको ये फीचर समझ में आ पाए और इसके स्टेप्स अच्छे से आपको समझ में आ पाए ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। तो इसके लिए जो है मेरे पास दूसरा फोन है जिसके अंदर आपको इस वेबसाइट पे जाना है। इसका इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप ये सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड लिंक पे क्लिक करना है, एंड्रॉयड ऑटो स्टोर, और जब आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो है एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। काफ़ी छोटी एप्लीकेशन है, डबल ए स्टोर नाम से ये एप्लीकेशन है। उसके बाद आपको इसको इंस्टॉल के लिए परमिशन दे देनी है। तो ये जो वीडियो है मैं पूरी की पूरी अनकट रखने वाला हूँ ताकि आपको एंड टू एंड इसका प्रोसेस अच्छे से समझ में आ पाए और कोई दिक्कत आपको ना आए इसको इंस्टॉल करने में लेटर ऑन। तो जब आप ये आपकी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी, उसके बाद ये यहाँ पर डन एंड ओपन दो ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो यहाँ से हम इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का एक मैसेज आएगा, एंड्रॉयड ऑटो 6.4 कुड ब्लॉक ऑल एप्स इंस्टॉल्ड फ्रॉम द स्टोर, प्लीज डोंट अपडेट एंड्रॉयड ऑटो और इफ यू ऑलरेडी अपडेटेड इफ इट प्लीज डाउनग्रेड इट। तो इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो एप्लीकेशन है, कार्ट ट्यूब एंड कार्ट ट्यूब कंट्रोलर। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे जाके इसके कार्ट ट्यूब को इंस्टॉल कर लेना है। तो जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 सेकेंड इसको लगते हैं इंस्टॉल होने में। यहाँ पर आपसे एक परमिशन मांग रहा है, क्योंकि क्या होता है कि जो भी आपकी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर के बाहर से डाउनलोड करते हैं, वहां पे इस तरह की अननोन एप्स को इंस्टॉल करने के लिए सेटिंग आपको एक्टिवेट करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको यहाँ से इसको अलाउ कर देना है। तो आपने इसको जैसे ही अलाउ करेंगे उसके बाद ये इंस्टॉलेशन के लिए दोबारा परमिशन मांगेगा और जो रिमेनिंग इंस्टॉलेशन रह गई थी वहीं से जो है ये कंटिन्यू हो जाएगी। तो 30 से 40 सेकेंड्स आपको इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में लगेंगे। तो ये मैं वीडियो पूरी अनकट रख रहा हूँ बिकॉज ताकि कोई भी अगर एरर बीच में आता है तो एटलीस्ट आपको मालूम चल जाए और उसको कैसे टैकल करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बता दूंगा। तो अब ये ऐप इंस्टॉल हो गई है, आप इसको डन कर दीजिए। तो वापस से आपको डबल ए स्टोर के अंदर जाना है, ये मैसेज आया कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कार ट्यूब कंट्रोलर भी आपको इंस्टॉल करना है, तो इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये एप्लीकेशन बहुत छोटी सी है, ये जल्दी से इंस्टॉल हो जाएगी, तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। तो ये भी आपकी जो है 15 से 20 सेकंड के अंदर जो है ये कार ट्यूब कंट्रोलर एप्लीकेशन भी डाउनलोड हो जाएगी आपके फ़ोन के अंदर। तो ये भी आपकी इंस्टॉल हो गई है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कार ट्यूब की जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करी थी, तो ये कार ट्यूब की एप्लीकेशन है, आपको इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड ऑडियो परमिशन के लिए आपसे एक मैसेज आता है, उसको ओके कर दीजिए और अलाउ कार ट्यूब टू रिकॉर्ड ऑडियो वाइल यूजिंग द एप्लीकेशन। तो इस तरह से जो है आपकी एप्लीकेशन कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में अपने एंड्रॉयड ऑटो को केबल के थ्रू जो है कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मैंने इसको जो है कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर जब मैं इसको अब एंड्रॉयड ऑटो को खोलता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा बाय डिफॉल्ट ये मैप दिखा रहा है। यहाँ से आपको जो है इसकी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस यहाँ से जाके हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक कार ट्यूब का जो है आइकन बना हुआ आ गया है, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कार ट्यूब का आइकन बना हुआ आ गया है, आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का जो है एक मैसेज आता है कि सम फीचर्स रिक्वायर टू बी प्रो, यूजर कंटिन्यू ऑन योर स्मार्टफोन टू डिस्कवरी हाउ टू प्रो।
तो बेसिकली इसके अंदर आपको प्रो वर्जन भी खरीदना पड़ेगा अगर आप गाड़ी को चलाते हुए इसको यूज़ करना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आपका हैंड ब्रेक लगी हुई है तो आप खड़ी गाड़ी में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए YouTube जो है चालू हो चुका है, यहाँ पे आप जाके सर्च करेंगे तो यहाँ पर मैं अपना चैनल सर्च करता हूँ। और देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। तो ये मेरा चैनल आ गया है। अब इसमें ये नेक्सॉन वाली वीडियो मैंने इसमें चलाता हूँ। ये देखिए वीडियो चल गई है इसके अंदर और काफ़ी अच्छी क्लैरिटी भी आ रही है, कोई इशू नहीं है। तो इसके थ्रू जो है आप चला सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स काम कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो अब इसकी वॉल्यूम मैं थोड़ा कम कर देता हूं ताकि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आए। तो इसके अंदर एक जो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगी, ये जो वीडियो है पूरी स्क्रीन में नहीं चलती है, मतलब ये इतना पार्शियल स्क्रीन जो है इतनी इतनी रह जाती है दोनों साइड से। बट एटलीस्ट आप जो है यूट्यूब चला सकते हैं। आप कोई म्यूजिक वगैरह वीडियोज़ वगैरह अगर आपकी गाड़ी रुकी हुई है, आप कहीं पर बैठ के खाना वाना खा रहे हैं, तो ऐसे में जो है आप अपनी गाड़ी में जो है यूट्यूब की वीडियोज़ वगैरह प्ले कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। यहाँ पर आपको ये सारे के सारे वीडियोस वगैरह आप देख सकते हैं, ये आपको सारे मिल जाते हैं। आप कोई भी वीडियो चाहे तो आप जाके यहाँ से चला सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो जैसे मैं ये वीडियो प्ले करता हूँ तो वीडियो वगैरह सारी आपकी प्ले हो जाएंगी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में भी ये वीडियोज़ प्ले हो जाती हैं बिना किसी दिक्कत के। तो अगर आप चाहते हैं कि वाइल्ड ड्राइविंग द कार एज वेल, अगर आप ये वीडियोस वगैरह प्ले करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो है इसका प्रो वर्जन खरीदना पड़ेगा, जो कि आपके मोबाइल में बार बार नोटिफिकेशन भी आता रहेगा इस तरह से। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। तकरीबन आपको 250 रुपये पे करने पड़ेंगे, एंड इट गिव्स यू एन एक्सेस कि आप जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियोज़ को, गाड़ी चलाते हुए आप जो है वीडियोज़ को देख सकते हैं, और दो तीन और फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपकी अपनी खुद की मर्जी है कि आप इसको पे करना चाहते हैं कि नहीं। बट एटलीस्ट अगर आपकी गाड़ी कहीं रुकी हुई है, आप खाना वाना खा रहे हैं, दोस्तों वगैरह के साथ बात कर रहे हैं, आप YouTube को इन्जॉय कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के लिए। इसके लिए आपकी एटलीस्ट हैंड ब्रेक जो है वो लगी होनी चाहिए, ठीक है। तो गाइज ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो ऑन हाउ टू प्ले यूट्यूब वीडियोज़ इन एनी कार थ्रू एंड्रॉयड ऑटो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाने से पहले एक थम्स अप ज़रूर दे देना, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।